ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। योग व स्वास्थ्य के प्रथम लाइव, जो कि दिन का सबसे पहला लाइव होता है, स्वामी न्यूज़ अजमेर की इस पहल के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस पहले लाइव के साथ हम सब आज योग के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। योग से निरोगी जीवन, योग से चार प्रकार का स्वास्थ्य कैसे हमको प्राप्त होगा, किस प्रकार से योग हमें स्वस्थ बनाएगा, कैसे हम योग से निरोगी और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा फिज़िकल, जिसको हम कहते हैं फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ से आजकल बहुत परेशान हैं लोग, बहुत परेशानी आती है। फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही लोगों की, मानसिक मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, और इन दोनों हेल्थ के बिगड़ने से मनुष्य के जीवन में वो दुख का अनुभव करता है, और जब वो दुख का अनुभव करता है तो उसको ये जीवन बहुत अच्छा नहीं लगता, जबकि बहुत अच्छा जीवन है। ये श्वास पर उसका नियंत्रण नहीं है, शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं है, ये सब होना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम, कल हमारे से एक दर्शक पूछ रहे थे कि सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस के लिए कौन कौन से व्यायाम है, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, तो आज सारी वही बता देते हैं। श्वास भरते हुए कंधों को आगे से ऐसे ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए कंधों को पीछे से नीचे कर लेना, तो बड़ा शून्य हो जाएगा, बड़ा ज़ीरो हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस की विशेष समस्याएं बहुत सारे लोगों को परेशान करती हैं। तो सर्वाइकल, जो लोग लैपटॉप कंप्यूटर ऑफिस वर्क बहुत घंटे घंटे तक करते रहते हैं, कई बार अनावश्यक रूप से भी इनका प्रयोग करते रहते हैं, तो अनावश्यक रूप से प्रयोग भी हमारे सर्वाइकल नाम की ये जो हिस्से हैं ना, सात बिंदु हैं सर्वाइकल के, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। तो रीढ़ की हड्डी के 33 मनकों में से 7 मन के ऊपर के सर्वाइकल कहलाते हैं, और जब इसमें बीमारी हो जाती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस कहलाती है। श्वास भरते हुए कंधों से कंधों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे से कंधे नीचे। ऐसे उल्टा भी चला लेंगे, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में इस पावन सुंदर प्रभात में, नव प्रभात में हम योग को करें और स्वस्थ रहें। श्वास भरते हुए हाथों को दूसरा अभ्यास सिखाएं, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। सामने से तीसरे में हाथों को वहीं रख लेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए कोहनियों को ऐसे लाएं, और श्वास भरते हुए कोहनियों को ऐसे पीछे बड़ा राउंड ले जाएं, पूरा श्वास अंदर, इस तरह से चलें और चलते रहें बिना रुके, बड़ा शून्य बनाएं, राउंड बनाएं, बड़ा राउंड। श्वास भरते हुए पीछे जा रहे हैं ऐसे, श्वास छोड़ते हुए आगे आ रहे हैं। विपरीत दिशा से। आज का कार्यक्रम भले छोटा होगा हमारा, लेकिन वो सारा सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस की समस्याओं को दूर करने के लिए। विश्राम,
ये हो गए तीन, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन अभ्यास हमने किए। चलते हैं चौथी प्रैक्टिस पर। श्वास बाहर, कमर सीधी, हाथों को घुटनों पर रखें, ऐसे लगाएं। श्वास भरते हुए पीछे, गर्दन पर मन को टिका के रखें, गले पर टिका के। श्वास बाहर। जिनको चक्कर आने की समस्या हो वो कोई भी प्रैक्टिस आंखें बंद करके नहीं करना। जिनके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है वो आगे पीछे झुकाने वाली ना करें, साइड वाली और मूवमेंट हल्के हल्के करें। बहुत ज़्यादा दर्द है जिनको, बाकी थोड़े बहुत दर्द वाले तो धीरे धीरे करें, जिससे उनकी प्रॉब्लम ठीक होगी। श्वास बाहर, राइट साइड में ऐसे कंधे से कान को लगा। श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो, पवित्र बनो। अभी तक ऐसे झुका रहे थे, अब ऐसे लाएंगे। श्वास बाहर, थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर। अब सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस वाला कोई कठिन अभ्यास तो कर नहीं सकता, सूक्ष्म व्यायामों के आसनों के, ज्यादा सारे आसन भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसको पहले ऐसे सूक्ष्म व्यायामों से अपने सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस को ठीक करना चाहिए। योग की छोटी छोटी क्रियाओं से बड़े बड़े रोगों का उपचार होता है, छोटी छोटी क्रियाओं से, पर हमने किया है बहुत सारे लोगों का, छोटी छोटी क्रियाओं से किया है। आपको गर्दन का मूवमेंट हम जूम करके दिखा रहे हैं अभी, केवल गर्दन का मूवमेंट, जिसमें आपको चेहरा दिखेगा, वक्षस्थल दिखेगा। श्वास बाहर, राइट साइड घूम जाए, थोड़ा रुकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, लेफ्ट साइड घूम जाए, थोड़ा रुकें, चार चार पांच पांच बार करें। ये तीन बार हमने किया, अभी एक बार दो बार और कर लेते। श्वास बाहर, योग करने वाला पवित्र हो जाता है। योग करें, करें योग, रहें निरोग। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। श्वास भरते भी वापस आ जाए, फिर श्वास खाली करें। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या, समय पर एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से बिना समझे तो समझाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। परमात्मा के भजन गा रहा है, सारे दिन के कर्म को ठीक किया ही नहीं। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे धीरे धीरे करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। परहेज नहीं कर रहा और बीमारी ठीक करना चाह रहा। पत्य सती किम औषधम अर्थम, अब पत्य सती किम अर्थम औषधम। महर्षि चरक कह रहे हैं यदि आप पत्य का पालन नहीं कर रहे, जिसको हम कहते हैं परहेज नहीं कर रहे, तो फिर हमारे औषधि सेवन करने का कोई मतलब नहीं है।
दवाई लेने का कोई मतलब नहीं जब आप परहेज नहीं कर रहे। और दूसरा कहा अपत्य सती, पत्य सती की मौषध मर्तम, पत्य यानी पहले से ही आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो औषधि लेने की नौबत ही नहीं आएगी, दवाई लेने की नौबत ही नहीं आएगी। इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, श्वास भर के पीछे ले गए, श्वास छोड़ते हुए आगे, स्लोली स्लोली करें, धीरे धीरे करें, बिल्कुल विश्राम लेकर के, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट के रूप में करें। ऋषियों की बातें बहुत गजब की, कबाल की और बहुत अनुभव भरी थी होती हैं। यदि हम जानेंगे ना तो हम पता लगेगा कि ऋषियों का वाक्य कितना अंतिम सत्य को जनाने वाला होता है। अंतिम सत्य हम जान जाते हैं इससे। हम अगला अभ्यास देख रहे हैं, ये तो गर्दन के मूवमेंट हो गए। यदि हमारी स्थिति कंधों की ठीक है, हमारे कंधों में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपनी दोनों कलाइयों को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे कलाइयाँ पकड़ में आ जाती हैं और फिर श्वास बाहर छूट जाती है और एक तरफ राइट साइड में ऐसे झुकाते हैं, सामने दृष्टि, सामने चेहरा सहजता में रखें और इसको अधिकतम नीचे तक लाने की कोशिश करें। थोड़ी देर रुकें और श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, अब लेफ्ट साइड में करें। हर बार कोशिश करें, हर अभ्यास आपको पहले राइट साइड से करना चाहिए, जो दोनों तरफ करने वाली प्रैक्टिसेस हैं उसको आपको राइट साइड में करना चाहिए। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमि तलम दिशोऽपि वसनम ज्ञानामृतं भोजनम एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिना। योग से निरोगी जीवन तो मिलता है, उसके अलावा एक और दो, उसके अलावा हमारा मन, हमारी बुद्धि, इनके सामर्थ्य बढ़ जाते हैं। योग कर्मसु कौशल, योग से कर्मों में, इंद्रियों में कुशलता आती है। ऐसे मिला करके यूं चला, विश्राम, दोनों हाथों को ऐसे आगे ले जाए, दोनों हाथों को आगे, श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऐसे जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ दें, बहुत कड़ा कर लेंगे पंजे को, श्वास पूरा भरते हुए इतनी स्थिति में ले आए, पूरा बंद ना करें, वापस ले आए, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए। योग कर्मसु कौशलम, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल बन और निश्चल वाणी करते रहे। बहुत ताकत लगा के, ऐसे ताकत लगाओ, खूब शक्ति लगाओ, ऐसे टाइट कर लो, वापस ढीला, ऐसे छोड़, रिलैक्स, ऐसे करते रहें लगातार 4 से 5 बार। जो लोग लिखने का काम बहुत करते हैं, जिनका लिखने का, पढ़ने का, बहुत परीक्षाएं देने का, बार बार लिखने का होता है, आर्टिस्ट लाइन के भी लोग हैं जिनका हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं, वे लोग क्या, उनकी नसनाड़ियाँ, शक्ति उनकी कम भी हो जाती है समय के साथ में, उम्र के साथ में, क्योंकि वो यहाँ का व्यायाम कभी नहीं करते हैं, इन कलाइयों का, भुजाओं का, तो उनको ये ज़रूर करना चाहिए। राइटर्स, ऑथर्स, आर्टिस्ट, लेखक, परीक्षा देने वाले, कंपटीशन देने वाले खूब नोट्स बनाते रहते, उन लोगों के लिए ये सत्र बड़ा उपयोगी होगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा होती, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कई कई घंटे लाइब्रेरी में बैठ करके जो है पढ़ते रहते हैं, गर्दन झुका के। अगला
पहला अभ्यास, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां यूं जोड़ लेंगे, गहरे लंबे श्वास भरते जाए छोड़ते जाए, गहरे लंबे श्वास भरते जाए छोड़ते जाए, और कोहनियां सीधी रख करके इनको घुमाते जाए चलाते जाए। विपरीत दिशा से टिका कर हाथ कानों पर, करू कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीने, कौन सी अंदर मशीने, कौन सी अंदर उबलने की, रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। अगला अभ्यास, हाथों को इस प्रकार से रखें, श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर खींच लें जैसे हम ताड़ासन करते हैं, उसी को हम बैठे बैठे कर रहे हैं। प्रभु के कारखाने में श्वास अंदर और हाथों को ऊपर खींचते रहें और रोक कर रखें। नसों का जाल फैला है प्रभु के कारखाने में, नसों का जाल फैला है करोड़ों नाड़ियाँ इसमें, नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। इस तरह से आप सूक्ष्म व्यायाम को लगातार करें, फिर राइट साइड में घूमें, लेफ्ट हाथ को आप यहाँ रखें आगे ज़मीन पर, और राइट हैंड को आप इसी की सीध में पीछे ज़मीन पर रखें, और श्वास पूरा बाहर और शरीर का भार पूरा का पूरा इन हाथों पर रखें, बीच का शरीर घुमा देंगे ऐसे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएगा ऐसे ही, फिर से श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर से श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसको अगले दूसरे तरीके से कर रहे हैं दोनों, अगला अभ्यास देख रहे हैं। श्वास पूरा भरें और इसको ज़मीन पर लगा देंगे, लगाते हुए बहुत दूर नहीं पास में लगाना है, और दबाना है हथेलियों को, और श्वास पूरा भर के पूरा भार हमारे को हमारे हाथों पर रखना है, और धीरे धीरे शरीर पीछे ले जाना है। श्वास बाहर छोड़कर वापस आ जाएं और आगे की तरफ ऐसे झुक जाएं। श्वास भरते हुए फिर आ जाएं, फिर पूरा श्वास भर लेंगे, फिर से पीछे, श्वास बाहर, फिर से आगे,
फिर से श्वास पूरा भरें, जमीन पर लगाएं दोनों हथेलियां इंटरलॉक करके, श्वास बाहर, ऐसे रोज कर प्रतिदिन। फिर एक्यूप्रेशर का एक पार्ट देख ले, में सर्वाइकल के लिए कौन सा बिंदु दबाया जाता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमारे पैर, ये पूरा स्पाइनल वर्टिब्रा होता है, इसमें छोटे छोटे वर्टिब्रीज के जो है रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं। एक्यू का मतलब होता है बारीक महीन, प्रेशर का मतलब होता है उस पर दबाव देना। तो कैसे करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सर्वाइकल का पोर्शन है। आपको अपने पैर की, पैर को अंगूठे से, जबकि अंगूठे का नाखून कटा हुआ हो, इससे आपको यूँ दबाना है इस सर्वाइकल वाले पोर्शन को। अगर आपको सर्वाइकल होगा, हुआ है, तो आपको दर्द होगा इस पोर्शन में, बहुत ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे इतना प्रेशर देवें जितना आप सहन कर सकें, अच्छे ढंग से इसको दबाएं और 5 मिनट तक दबाते रहें। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छल की प्यार, वही ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो, योग करने वाला वाकई पवित्र हो जाता है, उसके भीतर दिव्य विचार जन्म लेते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश उसके जीवन को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। लेकिन वो तब हो पाता है जब वो स्वयं चाहता है ऐसा। यदि स्वयं इस ओर पुरुषार्थ नहीं करता, नहीं लगाता दिमाग, तो फिर उसके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे दूसरे पैर में भी आपको ऐसे ही करना है। ये सर्वाइकल के रिफ्लेक्स पॉइंट है, सर्वाइकल के, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर देते हैं। दूसरे पैर के बता रहा हूं। ऐसे हाथ में भी हैं, हाथ में भी आपको यहां अंगूठे के पीछे ऐसे ऐसे मिलेंगे, इतना इतना आपको इस सर्वाइकल वाले पॉइंट्स को, रिफ्लेक्स पॉइंट्स को प्रेशर देना है, और अच्छे खासा प्रेशर देवें जितना आप सहन कर सकें। दूसरे के साथ भी कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी इतना जितना वो सहन कर सके उतना प्रेशर देना। ये पूरी स्पाइनल वर्टिब्रा है, पूरी में जहाँ जहाँ पर सर्वाइकल, फिर लंबर, थोरेसिक, फिर लंबर, फिर जिसको हम सैक्रम कहते हैं वो, और फिर कोकेक्स, इतने 5 भाग पूरे 33 मन के आ जाते हैं। तो आपको यूँ दबाना है। हमने केवल इन एक्यूप्रेशर के बिंदुओं को दबा करके बहुतों का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर दिया। तो आपको भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दी है कि आपको ऐसे अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमने सर्वाइकल पर बात करी, और इसी को आप जान लेवें। आज छोटा छोटा करके रोज़ जानते हैं तो बहुत सारा जान लेते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, भजन के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। भजन देशभक्ति का भी हो और भीतर हमारे उत्साह को पैदा करने वाला भी। धरती के शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है,
नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, धरती की शान तू भारत की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का और स्वामी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति।